संतोष रेणु को भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता। भाई संतोष विवादों में रहते हैं, लेकिन कई बार बात बड़ी पते की कह जाते हैं। इस बार उन्होंने कुछ बात ऐसी कही है जो कि कुछ लोगों को चुभ जाने जैसी होगी, लेकिन हम उनकी बात आपको सुनवाएंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी सिंगर गायक नवनीत सिंह का है, जिन्होंने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया है। इस वीडियो को रिलीज़ हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, लेकिन हमारी नज़र इस पर पड़ी तो हमने सोचा तो क्यों नहीं आपको बताया जाए कि संतोष रेणु पवन सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं। जी हाँ, संतोष रेणु को हमेशा खेसारी का दुश्मन कहा गया है, खेसारी के खिलाफ बहुत बोलते हैं। अब ये पवन के सपोर्ट में बोल रहे हैं या पवन के लिए क्या कह रहे हैं, आप पहले खुद सुन लीजिए। अगले आने वाले 50 साल तक पवन सिंह जैसा फीलिंग्स देने वाला कलाकार पैदा नहीं होगा। अभी ये गाना, तो देखा आपने संतोष रेणु ने क्या कहा कि 50 साल लग जाएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जैसा सिंगर नहीं आने वाला है। जी हाँ, ये सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है पवन सिंह पर, उनकी आवाज़ का भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्त दुश्मन भी दीवाने हैं, उनके दुश्मन भी उनकी आवाज़ की दीवानगी के कसीदे पढ़ते हैं। आपको बता दें, फिर वो चाहे खेसारी लाल यादव की टीम हो या फिर हो निरहुआ की टीम, या भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो पवन सिंह को नापसंद करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ की दीवानगी, उनकी आवाज़ की जो खूबसूरती है, उसके दीवाने हर जगह मौजूद हैं, फिर वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर के लोग। आपकी क्या राय है हमारे इस वीडियो पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही नवनीत सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमने उन्हीं के चैनल से लिया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।